कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में पार्टी के सभी महासचिव पीसीसी प्रेसिडेंट्स यानी प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर्स की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि कैसे 2019 के चुनाव से पहले रफाल के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाया जाए। कांग्रेस ने इसकी जानकारी दी कि मीटिंग में ये तय हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इसके अलावा जो स्टेट लीडर्स हैं वो इस मुद्दे को लेकर अब अपने अपने स्टेट में जाके प्रोटेस्ट करेंगे और बताएंगे कि रफाल जहाज जो यूपीए ने तय किया था कि 526 करोड़ रुपए का है, उसको मोदी सरकार अब 1600 करोड़ में खरीद रही है। अभी बार बार कांग्रेस पार्टी सवाल पूछती आई है कि क्या रफाल जहाज की एक जहाज की कीमत क्या है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। उसमें बताया ये गया कि एक सीक्रेसी पैक्ट है फ्रांस और इंडिया भारत सरकार के बीच में, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को बार बार कह रही है कि 526 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में लिया गया, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने एक व्यापक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट और जो स्टेट के लीडर्स हैं वो हर जगह इसको लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।